अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ ऐसी अलामात अल्लाह ने उनके अंदर रखी होती हैं कि उनकी वजह से मुआशरा अमन, सुकून, प्यार और मोहब्बत का मुआशरा बन जाता है। उन खूबियों में से तीन खूबियां ऐसी हैं जिन्हें सूफिया ने बतौर लाजिम एक अल्लाह के बंदे के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के लिए ज़रूरी करार दिया है। वो तीन खूबियां हैं सादगी, आजजी और कनात। जिस आदमी के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं कि वो सादा भी हो, इज्ज़ो इनकसार वाला भी हो और जो चीज़ें अल्लाह ने उसे दी हों उस पर उसकी कनात भी हो, वो राज़ी भी हो, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत नाजिल होती है जिस बंदे के अंदर ये सलाहियतें पाई जाएं। हम देखते हैं कि इस ज़माने में सादगी, आजजी और कनात वाला पहलू खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। कोई भी बरादरी हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी इलाका हो, लोगों को अपना आप दिखाने का बहुत शौक होता जा रहा है। मैं भी हूँ, मुझे भी मानो, मेरी भी सुनो और मेरी भी तारीफ करो, मेरी तरफ भी तवज्जो करो, ये माहौल बन गया है। अगर आप सादगी वाले नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ चीज़ें उधार की ओढ़ी होंगी जो असल में सादगी जो होती है वो असल होती है, असल रूप होता है आदमी। अगर आपके अंदर सादगी नहीं होगी तो फिर आपने कुछ चीज़ें ऐसी अपने ऊपर लागू कर रखी होंगी जो आपका असल नहीं है। तो जब आदमी असल से हटता है तो बेसकून होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में दांत बनाए हैं तो ये असल है, इनके अंदर धागे के बराबर भी कोई चीज चली जाए तो वो बेचैन कर देती है क्योंकि वो असल नहीं होती। तो जब आप सादगी में रहेंगे तो असल जगह पे रहेंगे, असल जगह पे, फिर आप तकलीफ में मुब्तला नहीं होंगे। आजजी का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना समझें, छोटा ना समझें, जलील ना समझें। एक होती है एहसासे कमतरी के समझना कि मैं माली तौर पे मेरे पल्ले कोई शय नहीं है, देखो कितना, ये एहसासे कमतरी है। आज भी ये होती है कि ये ना समझ ले बंदा कि मेरे अंदर सलाहियत ज़्यादा है, ये कमी है, ये छोटा है, ये निकम्मा है, ये बिल्कुल गुनाहगार है, ये तकबूर है। आजजी से रहें, अल्लाह के हर बंदे को अपने से अफजल समझें, आजजी के साथ रहें। कनात ये है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है समझे कि मेरा रब सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही मेहरबान है, उसने जो मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया, ये शुक्र के तौर पर, तकबुर के तौर पे ये भी नहीं, कनात करें। आजजी जब आपके अंदर होगी, सादगी होगी तो जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। और आजजी और सादगी का ये वाला तर्जमा नहीं कि जिस बंदे ने मैले कपड़े डाले हो आप समझे कि ये बड़ा सादा आदमी है जी, हफ्ता आया ना आया नहीं तो सादा है, ये सादगी नहीं होती। नफासत तो हुसैन इस्लाम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार आदमी को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा था तो हुजूर ने मना किया था, फरमाया अगर अल्लाह नेमत देता है तो बंदे पर उसका असर देखना भी पसंद फरमाता है। अच्छे कपड़े छोड़ दें तो आप सादा हो गए ये मतलब नहीं, बहुत सारे गरीब लोग भी सादे नहीं होते, जो हर वक्त कहता रहता है मैं किसी चौधरी को कुछ नहीं समझता तो वो सादा है, जो कहता रहता है कोई नहीं मेरी नजर में, मैं आप बड़ा सियाणा हूं, फलाना बंदा आया तो मैंने लाजवाब कर दिया, दो बातें नहीं फिर वो कर सका आगे के, तो आप सादे, आप तो बड़े महान तेज आदमी है भाई, आप तो अपनी करामत सुना रहे। सादगी, सादगी का मतलब है बेतकल्लफ जिंदगी जिसमें कोई तकल्लुफ ना पाया जाए, जो बंदा हो वही वो बयान करे, ये सादगी है। ये सादगी के खिलाफ है कि आप जो नहीं है वो आप, मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरानो हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जादी रहने दीजिएगा, कभी कभी मैं परेशान होता हूँ। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें,
फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया कल आख्या के लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा जहा अज जी आखन ना कि जनाब यदि दावत सी तो इस पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिस वे कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखे तो उन्हें पहली हरी इंज का वेख्या उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला तो आखे कि जिंज की तुसा रोटी पकई मैं कदे नहीं खाधी। ये हर आदमी का मुतालबा हर आदमी जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं और ये वो वाली लाया हूं जो मिलती नहीं थी पूरी दुनिया से सिर्फ मुझे मिली। तो ये आजजी नहीं ये सादगी नहीं ये बनावट है। ये मैं अमीर गरीब ये सारे लोग ये काम करते सारे जो हम नहीं वो हम बन के दिखाते हैं जो हम हैं नहीं वो हम बनते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज जो असल नहीं होती वो आती है तो तकलीफ देती है। नबी पाक अलैहि सलाम की जिंदगी सादी थी। किस तरह की सादी थी दो जुमले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दो जुमले और बात खत्म कर दी। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम की जिंदगी सादी थी। ये कैसी सादी थी? फरमाते हैं जो मिलता था हुजूर पहन लेते थे जो सामने आता था खा लेते थे। कोई तकल्लफ नहीं कि मैंने ये नहीं खाना ये खाना है ये नहीं लेना ये लेना है ये मिजाज नहीं तबीयत नहीं। हमारी तो पसंद नापसंद होती है ना। हुजूर को कद्दू ज्यादा पसंद था ये तो आपको हदीस में मिलेगा ये तो मिलेगा लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदम ना पसंद थी ये नहीं मिलेगा। आपको ये तो मिलेगा कि रसूल पाक को दूध ज्यादा पसंद था ये नहीं मिलेगा कि सादा पानी ना पसंद था। ये तो आपको मिलेगा कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीर पर सोने को पसंद करते थे ये नहीं मिलेगा कि चारपाई पर सोने को ना पसंद करते थे। यानी हुजूर की जिंदगी सादी है उसमें तकल्लुफ हमारी पसंद ना पसंद होती है और जो जोश है हमें पसंद नहीं वो फिर है ही नहीं सही वो गलत हो गई फौरन वो सिरे से उसका कोई असर ही नहीं रहा वो बिल्कुल तबाह हो गई। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहि सलाम ने सादी जिंदगी गुजारी और आजजी वाली जिंदगी गुजारी। हम लोग आजिज नहीं होते आजिज नहीं हो अगर हम लोग आजिज हो जाए तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। हर खानदान में हर घर में लड़ाई है इसका मतलब है कि आजजी जहां आजजी होती है वहां लड़ाई और लड़ाई नहीं होती झगड़ा नहीं होता। हमारा भाई से भतीजे से भांजे से बीवी से ससुराल वालों से रिश्तेदारों से भाइयों से अगर इख्तलाफ चल रहा है और हर जगह चल रहा है तो सारी जगह तो गलतियां नहीं ना पाई जाती कहीं हमारी भी गलती होती है। तो ये जो इख्तलाफ चल रहे हैं और सुलह नहीं हो रही इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर आजजी इनके सारी हो तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम की जिंदगी में आजजी है इनके सारी है इसलिए हुजूर ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाई। सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहि सलाम तकरीर छोटी करते थे नमाज लंबी पढ़ते थे। तकरीर नमाज हमारी बातें लंबी और नमाजें अल्लाह उल्ट बिल्कुल सिलसिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी आजजी को अपनाया। बहुत गरीब आदमी बड़ा माड़ा बंदा जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है और बाहर जब वो दिहाड़ी करने गया है तो वो शाम को जब उसने ना समेटा है ना वो सीमट और रेत और वो सारी चीजें तो वहां वो झाड़ू फेर के आया है ये काम वो करने को तैयार है पर अपने घर में आके झाड़ू देने को तैयार नहीं हुई इसलिए कि ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। बाहर जब वो गया है किसी होटल में काम कर रहा है टाई पैंट कोट पहन के वो बड़ा अच्छा वहां अगर उसको बर्तन धोने पड़े हैं तो धो लिए बल्कि अगर नाराज ना हो जाए बाहर रहने वाले साथी तो ढेरों लोग बाहर जाके होटलों में बर्तन मांजते हैं लेकिन वहां उनके रोब को उनके नाम को कोई धब्बा लगता लेकिन घर के अंदर जिस बर्तन में उन्होंने खुद रोटी खाई है अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि ये धो लो तो फिर तो तलाक तक नौबत आ जाती फिर तो मसला खराब है। फिर तो हो सकता है कि बीवी की अम्मा की भी खैर ना हो तुझे उसने सिखाया कुछ नहीं मुझे ही तूने कह दिया उठ जा ये हमारा हाल है और है हम सारे आजिज़ मिस्कीन हैं हम सारे माड़े गरीब ये सारा अपनी जगत है
लेकिन जहाँ डटना है, बल्कि यूं समझ लें कि जहाँ रोब ना चला वहां मिस्कीन हो गए और जा चल गया और बादशाह हो गए मेरे रसूल पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम का उस्वा नूर सुनो। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर में आते अगर अगर घर के अंदर झाड़ू देने वाला है तो मुस्तफा ने उठा के काम करना शुरू कर दिया। ये मामूली बात नहीं। अगर हजरत फातिमा तज़हरा की चक्की पीसने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं तो रसूल पाक के घर का काम करने के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते, फट जाते तो हुजूर सी लेते। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है एक दिन हुजूर ने कहा खाना पकाओ, तो मैंने कहा कनीज आटा गूंद रही है। नबी पाक ने मालूमात की तो पता चला कि वो कनीज तो जा चुकी, बीमार थी। फरमाती है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा, नबी पाक ने गूंदा, नबी पाक ने लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धुन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमीन पे घर है मेरा पैगंबर अजीम पर है। नबी पाक ने आटा गूंदा और आटा गूंद के फरमाया आयशा आओ रोटी पका दो, मैंने आटा गूंद दिया है। ओ भाई मैं बहुत बड़ा नवाब हूं मैं आजज मिस्कीन, लोगों की मैं कमियां कोताहियां सुनाता हूं, लेकिन अगर जरा सा भी हाथ हिलाना पड़े तो उस वक्त ना जहां रोब चलता है वहां तो चलाना चाहिए ना। जितना हमारा दबदबा बनता है आजजी इनके सारी, ये इंसान को संवारती है, ये उसको सुकून देती है, ये उसके अंदर पैदा करती है वो चीज जो उसे अल्लाह के करीब करती है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप बड़े ही रह जाएंगे, बन कुछ नहीं सकेंगे। अगर आप में तकब्बुर है तो फिर अना का बुत कायम हो जाएगा, बन कुछ नहीं सकेंगे आप। हर आदमी को अपना आप दिखाने का शौक है, बनाने का शौक है, शोहरत नाम भरी अपने आप को जाहिर करना बताना। 144,000 सहाबा थे मेरे रसूल पाक के, सारे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुने तो दुरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 144,000 सहाबा थे, काम कर गए, किसी ने नाम नहीं बनाया, काम किया। शायद चंद 100 के नाम किताबों में मिलते हो, बाकियों ने काम किया, नाम पर तवज्जो ही नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं, बात मानी है मेरे नबी पाक की। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह तशरीफ नहीं लाए, घर रह के भी हुजूर की बात मानी, माँ की खिदमत करो नहीं आए, खिदमत करी तशरीफ नहीं लाए, घर रह के बात मानी। दर्जा क्या दिया मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ड्यूटी लगाई मौला अली शेर खुदा की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला फरमाया मेरा जुब्बा ले जाना और मेरे अवैस से मिलना और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। भाई घर रह के बात मानी, कोई शोरा नहीं, कोई नाम नहीं। इमाम अब्दुल वहाब शोरानी कहते हैं करण के लोग उन्हें रोड़े मारते थे और उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाबे वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी इमाम शोरानी ने, लिखा दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना, मैं सिरापा मखजन राज था, रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खेच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा, अल्लाह मस्तूर ना बिसुतरी कल जमील, ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में उठ बुलिया चल उठे बसिए, जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने, ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जाओ। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत अवैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाब अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, क्योंकि वो छुपे रहे, जरूरत नहीं। मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खेच लाया मजाज में, शौक नहीं मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो। अब तो इस कदर ज्यादा अना का बुत आ गया, रोटी खिलाओ जिसको खिलाई उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे दो, पानी पिलाया तो पहले उसकी फोटो दे लो, अगर सलाम लिया तो पहले छोड़ दो यार बस करो, ये अना के बुत बना लिए हम लोग, किस चक्कर में पड़ गई है दुनिया।
एक गरीब को दो चार पांच रुपए क्या दे दिए, एक आटे का थैले का दे दिया, चार अखबारों में खबर दे दी, ये आजी है, ये तरीका है। अब तो लोग यहां तक रियाकारी करने लगे, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले फोटो खींच के आते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हुए, बस कर दें, बस करें, कहीं रुके, किसी जगह स्टॉप करें, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें। जो खत्म हो गया वो बच गया, जो अपने आप को बनाता रहा वो कभी बन ना सका, बचा वो ही जो रब की बारगाह में मिट गया। हमारी तो उम्र गुजर गई है अपने आप को तामीर करते, सारी जिंदगी गुजर गई। मेरा भी नाम लो, 30 साल में रह के आया हूं जी सऊदी अरब के फलाने महल्ले में, किसी से मेरा नाम पूछोगे तो पहुंच जाओगे। क्या होते थे आप वहां, क्या नाम पूछे वहां, तो बादशाहों के नाम अब कोई नहीं लेता, मिट गए जो आए थे चले गए। गखड़ आना तो चौक से किसी से भी पूछ लेना, मैं भी होता हूं, क्या होते हो। यहां बड़े लोग थे जिनका तूती बचता था, खत्म हो गए, तू और मैं भी जाने वाले, और जमाना आएगा, मिटने के लिए दुनिया आई है। अगर दुनिया में खुद ब खुद अपने आप को मिटा के रखोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। हम तो इतना खड़े हुए हैं कि बहनों से, भाइयों से, ससुराल से, रिश्तेदारों से कट गए, इसलिए कि बहुत नहीं टूट रहा अंदर का। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम बड़ा कुछ थे, पर उनकी जुबानों पे कभी कुछ होने का जिक्र नहीं आया। बड़ा कुछ थे, बड़ा कुछ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, बड़ा कुछ थे ना, क्या बात थी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरा वो खलील है कि दुनिया में भी मेरा सज्जन है, कयामत में भी मेरा दोस्त होगा, दुनिया और आखरत में वही अबू बकर है। महल्ले में 7 गरीब बच्चियां रहती हैं, वो कहती हैं हमारी बकरियां, बाप फौत हो गया, बकरियों का दूध धो दो, तो अबू बकर सिद्दीक बकरियों का दूध धोने चले जाते, उनके घर का काम काज करके आते। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकते। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सियाबा से भर गई, और ऐसा जब ऐलान होता था तो सियाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद को नई बात है, दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सियाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पड़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी, कबीला बनू मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते मैं बकरियां चराता शाम तक, खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरे, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही हजरत उमर रोने लगे, और फिर कहने लगे, अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की, उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाबे उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने औफ जराना था जनाबे उमर से बाजू पकड़ के, कहने लगे उमर सियाणा बंदा यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए।
कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मिठी मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए, कहने लगे अब्दुल रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है, वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है, अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शह नहीं, कोई चीज ही नहीं, असि किसी से कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था, गुजारा। मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिए से बनाया करती, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है। तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए, हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रही से आजम हूँ, बड़ी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नज़र में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उमरे के लिए आज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजामे कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है, तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए। और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे, जन्नत में तो जाना बड़ी बात है और हुजूर जन्नत का भी बादशाह, इब्ने माजा में लफ्ज है, तुम्हें पता है जन्नत के बादशाह कौन होंगे? तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा हुजूर हमें नहीं पता। तो हुजूर ने फरमाया जन्नत के बादशाह वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनके कपड़े सादे होते थे, जो गरीब लोग होते, जो सिफारिश करते थे तो उनकी कबूल कोई नहीं करता था, जो किसी के साथ जाते थे तो उनको मानता कोई नहीं था, वो जन्नत के बादशाह होंगे बादशाह। और फरमाया कयामत के दिन जब लोग उन्हें देखेंगे तो उन पर फख्र करेंगे, रश्क करेंगे, कहेंगे क्या बात है तुम्हारी, यहां तो शौक ही बड़ा है, गरीबों ने भी पोस्टर बनाए हुए हैं डाकुओं लुटेरों चोरों की तस्वीरों के साथ लगवाए हुए अपने आप को बड़ा करने के लिए। आज ही इख्तियार करें, आज ही इख्तियार करें, अपने आप को मिटाने की कोशिश करें। रब करीम के बंदे आगे बढ़ बढ़ के अपना आप दिखाते नहीं, बड़ा शौक है पहले फोटो खिंचा लो, बाकी बातें बाद में होगी, पहले वीडियो बना लो, बाकी कुछ और बाद में होगा, पहले। अब तो परसों तरसों मुझे एक मौलाना कहने लगे कि आपसे मैंने, वो यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं कभी कभी मेरे दोस्त हैं, कहते हैं आपसे मैंने सुना था कि अगर कोई उस नबी पाक का फरमान है अगर कोई नजराना दे तो उसको ले लो, अगर कोई तोहफा दे तो उसको, हुजूर ने फरमाया ले लो अगर तुम्हें कुछ देता है अपनी मर्जी से, मांगना मना है, कुछ दे दे तो ले लो, वरना एक वक्त आएगा तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा नहीं, जब को दे दे तो ले लो। कहने लगे आपने कहा था को दे दे, तो उस वक्त से मैं कोई सूट देता है मुझे मेरी मस्जिद का नमाजी तो मैं ले लेता हूं, कोई मुझे कोई और शह देता है तो मैं आपके आपसे सुन के, तो अगर मेरी मस्जिद का नमाजी सूट पकड़ाते साथ फोटो भी खींचे तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, वो खुशबू की डब्बी देते हुए साथ फोटो भी खींचे फिर मेरे लिए क्या हुक्म।
कहने लगे रमजान में ये हाल हुआ है कि लोग कपड़े दे रहे थे और फोटो खींच रहे थे। क्या चक्कर है, कहां चले गया? गरीब आदमी की इज्जत नफ्स को कुचल डाला पकड़ के। एक जोड़ा साल के बाद इमाम को दिया, उसकी भी तस्वीर खींच के फेसबुक पे दे डाली। ये हमारी आजजी है, ये हमारा प्यार है, ये हमारा अंदाज है। भाई ये हम गलत रास्ते पे, गलत डगर पे चल निकले, हमें वापस आना पड़ेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आजजी को पसंद किया, हुजूर शोहरत से नामवरी से दूर रहते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आजजी, इनकिसारी और सादगी और कनात इनको अपना के रखा, सीने से लगा के। ये नहीं कि माल नहीं आया, बहरीन से लाखों दिनार आए हुजूर के जमाना जाहिरी में। तबूक के बाद फतुहात हुई तो लाखों दिनार आए, लेकिन हजरत आयशा कहती है हमारे घर में चार दिन के बाद ही रोटी पकी है, हमने एक वक्त ही खाना खाया। लाखों रुपया आया है पर हमारे घर के अंदर जो खाना आया है वो सिर का ही आया है। हमने रात अगर रोटी बच गई है तो सवेरे उठ के रात वाली खाई है। हमारे घर के अंदर वही हालात रहे, इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से हासिल करने नहीं आया, मैं तो मुसाफिर की तरह वक्त गुजारने आया। हम ज्यादा के चक्कर में निकले तो बड़ा कुछ कुचल के आ गए, बड़ा कुछ। आजजी जब पैदा होती है, इनकिसारी जब पैदा होती है, जब तवाजो आती है, फिर इंसान बनता है, फिर वो समझता है, फिर उसके अंदर तब्दीली आ जाती, फिर वो। और बुजुर्ग फरमाते हैं आजजी वाले को नमाज में भी लज्जत आती है। वरना तो किसी ने पूछा था, एक शायर इस्लामाबाद में रहते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका शहर किस तरह का है। उन्होंने कहा मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का, नमाज पढ़ते हुए कहते हैं देखो कितनी बू आ रही है इससे, कपड़े नहीं बदल के आया, नमाज पढ़ते हुए भी साथ वाले के बारे में बुरा सोच रहे। जब आजी सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला, ये सिलसिला रिफाइया के शेख हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बड़ी तारीफ लिखी है फतावा रजविया में। मिस्र के अंदर सिलसिला रिफाइया और शाजलिया, बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुरीद हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े सूफी थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देने गए। सैयद अहमद कबीर रिफाई हाजिरी देने गए तो जब नबी पाक के गुंबद पे पहुंचे तो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कब्र देखने नहीं आया, मैं तो दीदार करने आया। हुजूर ये तो ज़ियारत मैं करता रहता था, दीदार करने आया। ये कह के रोने लगे, इतनी देर रोए कि मेरे मुस्तफा करीम ने अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाल दिया, हाथ मुबारक बाहर आया और 10,000 लोगों ने देखा। इन्हें लोगों ने, अब यहां भी लोगों को शक होगा जी कैसे बाहर आया, तो बुखारी सुना देता हूं, मसला जरा हल हो जाए। मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी, तामीर तो कहते हैं कि दीवार नहीं, तामीर करते वक्त ना एक दीवार गिरी, ये बुखारी के लफ्ज है, दीवार गिरी तो एक पैर बाहर आ गया। पैर को देखा तो कहते हैं हाथ रखते थे तो उसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे खून साइडों पे हो गया, बिल्कुल जिंदा। शोर हो गया कि ये नबी पाक का कदम मुबारक है, हुजूर का। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उलमा को बुलाया, पैर देखा तो कहने लगे नबी पाक का नहीं, ये तो सैयदना फारूक आजम का है। जब ये कहा ना फारूक आजम का है तो फिर एक शोर उठा कि ये हाल है उनके गुलामों का तो सरकार का आलम क्या होगा, ये हाल है उनके गुलामों का तो फिर सरकार का आलम। ये बुखारी है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाला। सैयद अहमद कबीर रिफा इतने बड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बाहर निकाला, 10,000 लोगों ने देखा। किसी ने हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने देखे ना, अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उनवान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाबे अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें।
आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उनवान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे, नहीं हुजूर, आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा, अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उनवान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उनवान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते, जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा, अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मा सल्लमा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कमतर। अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है मेरी मखलूक। तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे, मैंने कभी किसी को हकीर, हम लोगों के पास उनवान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा, उनवान हुआ के ना तनकीद करने का, चार बच्चे हैं करें कमाई अमीर हो जाएंगे, वो हकीर समझ रहा है गरीब को, गरीब भी अमीर को हकीर समझता है, वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही आराम है, जायज एक पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर आराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई, उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उनवान ही था ना, अगर उनवान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं, वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उनवान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी, तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते, मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था, तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो मुंडेर होती है छोटी सी, वाटा खीद है अपनी जुबान, तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते, मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता, शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते, कुत्ता आ गया सामने से, अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था, अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं, कहते हैं देर हो गई, तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी से। आप फरमाते हैं देर हो गई, तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं, मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादरे मुतलक है, उसे जुबान दे दी। तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है, तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है, अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है मेरे कपड़ों को, मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि ना पाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वज्र तारी हो गया, कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा, राती जागे शेख सदावे, राती जागदे कुत्ते, तैथो कुत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो सौ सौ जुत्ते, तैथू उत्ते, वो एक बुरकी दा कदर पछानन, पावे मालक हो मन सुत्ते, तैथू उत्ते, रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुत्ते, ते तैथू उत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए नी कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लै नहीं ते बाजी लै गए
कुत्ते थे तैथूते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए, तो मैंने कहो भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा। तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो सात समुद्रों से भी साफ नहीं होगा, कपड़े पानी से धुल जाएंगे, और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो सात समुद्रों से भी सही हो सकता। ना ना ना, हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को अकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है भाई, हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पड़ता था पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया, मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे, मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजजी वाली पढ़ता है, जब तू इनकसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदी, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है, मैंने कहा, अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं, आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये मैंने कोशिश की कि मैं बैठता हूं मस्जिद में आराम करता हूं, जब आप आएंगे तो देखी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने जलाल किया, फरमाया तू मुझे गाफिल समझता है कि मैं सो जाऊंगा, और आप फरमाने लगे मैं कौम का खादिम हूं, जिसकी इतनी ज्यादा रियाया हो वो सो जाए चुप करके, मैंने जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में। फरमाया मेरे अमीरों की तरह सोने जागने के वक्त मुकर्रर नहीं, मैं कौम का खादिम हूं, जिस वक्त भी आया करो मुझे जगा लिया करो, मुझे कब्र में जाके खुदा को भी जवाब देना है, मोहम्मद मुस्तफा को भी जवाब देना है। और फिर हमने इन तकल्लुफात में, मैंने कई दफा ये बात बयान की है, अब तो लोग रिश्ते करते हैं तो डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं, दो चार गैरों की गाड़ियां मंगा के दरवाजे के आगे खड़ा करते हैं, रिश्ता हो जाता है बड़ा घर देख के, और जब शादी के चौथे दिन पता चलता है कि ये किराए का मकान था, तो रिश्ते मकानों पर कायम नहीं होते, एतबार पर कायम होते हैं, वो एतबार टूटता है तो जिंदगी भर कायम नहीं होता दोबारा। जो आप हैं आप वही रहे, जो आप नहीं हैं वो कभी बनने की कोशिश ना करें। और मेरे अजीज ये भी याद रखें आजजी आपको सवार देगी, और वैसे भी हम अल्लाह के हुजूर जाने वाले हैं, अगर पर्दों में छुप के चले जाएंगे तो बच जाएंगे, और अगर हम अपना आप दिखाते ही रहें सारी जिंदगी इसी चक्कर में रहें कि मुझे भी पूछो, मुझसे भी मुशावरत करो, मेरी भी बात सुनो, तो ये अना की दौड़ तो खत्म ही नहीं होती। हिर्स सिर्फ पैसे की नहीं होती, हिर्स हवस शोहरत की भी होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बयान फरमाया है कि ये जो तेरे अंदर चीज पैदा होती है ना, मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं, इससे भी अपने आप को बचा। सहाबा के बाद जिस शख्स की खिलाफत सबसे मजबूत हुई वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, इतनी बेहतरीन खिलाफत की कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। इराक में रहने वाली एक औरत थी, उस औरत का खामद फौत हो गया तो पांच बच्चियां यतीम थी, वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना यहां तो अब तो इस्तकबाल
आना जाना बड़े मामलात है। अब तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है, कहते मारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की आदत है अमीरों से लेके गरीबों तक। मेरे मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, अब ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते हैं फलां मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फलां के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और अब तो मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते हैं। ये क्या तरीका हुआ, ये कौन सा तर्ज जिंदगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहाँ है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर टाट का पर्दा लगा हुआ है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पर दस्तक दी, एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया, कैसे आई हो। मैंने कहा मीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते, कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए थे। कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम है, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन, तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही अब, ये फरिश्तों की दास्तान नहीं, ये वो लोग हैं। मैं रात को भी कह रहा था एक जगह पे कि ये लोग जो है ना जिनका आप रोज शिकवा करते हैं हुकूमतें बड़ी खराब है, ये कोई नहीं खराब, बिल्कुल खराब नहीं, जितने सियासी लीडर है सारे सही है, खराब वो लोग हैं जो इन्हें वोट दे के लीडर बनाते हैं, बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो इनके हक में होता जा रहा हूं, नाराज हो गए ना आप लोग, अल्लाह करे तुसी हो जाओ तो अगले इलेक्शन च सियाने भी हो जाओ, आमीन तो कह दे। मैंने कोई मशवरा नहीं देना इसलिए कि मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके लिए मैं आपसे कह सकूं कि वोट दें, और हम तो ऐसी बात करें तो कई लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे नबी पाक का दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं। इंशाल्लाह आइंदा जुम्मे नजरिया पाकिस्तान बयान करूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जो कुरान नाफज होगा मस्जिद में वो कुरान कचहरी में भी नाफज होगा इंशाल्लाह, और वो कुरान नाफज होने आया है, असेंबलियों में वही कुरान नाफज होगा इंशाल्लाह, और यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। बयान करेंगे और डट के बयान करेंगे, आपको बताएंगे। बस जो बात समझा रहा हूँ फिल वक्त वो समझे, मुजरम वो नहीं जो बड़ा बन के लूटता है, मुजरम वो है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसने उसे बड़ा बनाया है, ये याद रख ले। हमारी कोई बचत नहीं होगी हमसे पूछा जाए, हम सारे कचहरी में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे, तुम सपोर्ट क्यों करते थे, ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। बाहर आलाम दाम पर सरे मतलब जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह लेके वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन है, कहा वोट के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं, तो कहने लगे
इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रिजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी 1 बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है, अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी, अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची, जब सवेरे आके मैंने वालिये इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गया। तो इंतकाल कर गए। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा, और अगर गवर्नर ही से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती मैं रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी, एक को आवाज दी वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है, दूसरी को आवाज दी वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है, तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्यार से रोटी खा रही हैं, 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं 4 दिनों से। बीबी रो रही है, हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुकरी की है, तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता, रो रही है। मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं, आ तुझे दिखाऊं इतनी नाशुकरी कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं, शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े, फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए, तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तू अभी भी सादगी आजजी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहां रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं। 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए? और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदर्जे औलाद। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ, जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं थे। वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं था। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर। क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है सारे, अल्लाह के दिन है।